ईरान और इसराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, जो कि अब जंग के बहाने पर खड़े हैं। इसकी वजह है ईरान का इसराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइल अटैक। यह हमला पिछले मंगलवार की रात को हुआ था, जब इसराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलों की भारी बौछार देखी गई। दरअसल इसराइल के हमले में लेबनान में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की मौत हो गई थी। इस बीच खबर आई है कि हमले में कथित तौर पर हसन नसरल्ला के दामाद हसन जाफर कासिर की मौत हो गई है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के दमिश्क शहर के करीब हवाई हमले में उसके मारे जाने की संभावना है। हसन जाफर कासिर बुधवार को बैरूत में एक हवाई हमले में मारे गए मोहम्मद जाफर कासिर का भाई है। हसन की मौत हिजबुल्ला के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि इसराइल के खिलाफ उसका नेतृत्व कमजोर हो रहा है। कासिर बंधु 1982 के लेबनान युद्ध के बाद से आतंकवाद में गहराई से शामिल रहे हैं। अहमद कासिर अपनी कार में विस्फोटक भरकर एक इजरायली बेस में घुस गया था, इससे उसमें मौजूद विस्फोटक फट गया। लेबनान के इतिहास में यह पहला आत्मघाती हमला था। अहमद को हिजबुल्ला के संस्थापकों में से एक इमाद मुगनिया की ओर से निर्देशित किया गया था। 2008 में दमिश्क में इसकी रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी। वहीं हिजबुल्ला के सूत्रों के मुताबिक अहमद के हमले ने सभी शहीद अभियानों की शुरुआत को बढ़ाया। युवाओं के बीच प्रतिरोध की मशाल थी, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उत्सुक थे। हिजबुल्ला हर साल अहमद की मौत को शहीद दिवस के साथ मनाता है। अहमद के भाई मोहम्मद और हमास दोनों हिजबुल्ला के रैंक में उभरे। मोहम्मद सीरिया से ईरानी हथियारों की डिलीवरी करवाता था। हसन ने हसन नसरल्ला की बेटी से निकाह किया था, जिससे ईरान और हिजबुल्ला में उसके संबंध बढ़े। बता दें कि मोहम्मद जाफर कासिर इतना कुख्यात था कि अमेरिका ने उसको मरने या पकड़वाने के लिए सूचना देने वाले को $10 मिलियन के इनाम का ऐलान कर दिया। साल 2018 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने उसे विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी घोषित किया। इसके मुताबिक अगर उसकी कोई भी संपत्ति अमेरिका में है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसराइल का कहना है कि बीते करीब 15 सालों से वो हिजबुल्ला के 4,400 यूनिट का कमांडर था। वो हिजबुल्ला के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करता था। इसके अलावा कासिर ईरान और सीरिया से लेबनान में हिजबुल्ला को फाइनेंस अरेंजमेंट परिवहन के लिए जिम्मेदार था, जिसकी कीमत हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर होती थी। तो इस तरह इसराइल लेबनान में लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है, जिस ग्राउंड ऑपरेशन को चलाने के बाद नसरल्ला के दामाद कासिर की हवाई हमले यानी एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। कासिर एक कुख्यात कमांडर था। अब ऐसे में इसराइल इसे एक अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है।